टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी से करीब 10 से 15 फीट की दूरी पर शाहूजी नगर इलाके झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को रेलवे ने नोटिस जारी किया है और 7 दिन में इन्हें अपना घर खाली करने को कहा है। ऐसे में कल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ हैं और ये अन्याय हो रहा है। ऐसे में आप बता दें कि इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। इसी तरह से कलवा और डोंबिवली में भी रेलवे पटरी के किनारे रहने वाले कई लोगों को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। सबसे अहम बात यह है कि कल्याण लोकसभा में मुंब्रा भी आता है। ऐसे में खासदार श्रीकांत शिंदे ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक लेटर भी उन्होंने ट्वीट में किया है। उन्होंने राज्य रेल मंत्री को ये लेटर दिया है और रेलवे द्वारा दिए गए नोटिस को अन्याय बताया है। मगर सिर्फ ये अन्याय जो है कलवा और डोंबिवली में इन्होंने लिखा है। श्रीकांत शिंदे ने जो लेटर दिया है उस लेटर में सिर्फ डोंबिवली और कलवा का जिक्र है। ऐसे में खासदार श्रीकांत शिंदे ने आखिर मुंब्रा का जिक्र इस लेटर में क्यों नहीं किया? लेटर में डोंबिवली और कलवा में जिन्हें नोटिस दिया गया है उनके लिए पुनर्वास की मांग करते हुए रेल प्रशासन, राज्य सरकार और लोक प्रतिनिधि के साथ में बैठकर चर्चा होना जरूरी है और इनका पुनर्वास होना चाहिए, इसलिए ये मीटिंग करने की मांग कर रहे हैं कि इन्हें डोंबिवली और कल्याण में जिन्हें रेलवे ने नोटिस दिया है उनके पुनर्वास के लिए ये मीटिंग करने की मांग कर रहे हैं। मगर वहीं लेटर में मुंब्रा का जिक्र नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्या मुंब्रा कल्याण लोकसभा सीट में नहीं आता? क्या खासदार श्रीकांत शिंदे वो मुंब्रा से खासदार नहीं है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कल जब गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा के शाहू नगर इलाके में पहुंचे थे, जिन परिवारों को रेलवे की तरफ से नोटिस मिला है उन परिवारों से मुलाकात की थी और खुद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद आकर कहेंगे कि हमने बचा लिया है। आखिर मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किस पर चुनावी तंज कसते हुए आखिर किस पर इन्होंने इशारा करते हुए ये कहा था, आप खुद सुने। तो ये सिर्फ दहशत बताने के करने की बात है। सब थाना का मुंबई का चुनाव सामने आ रहा है तो किसी को ये खेल खेल के बाद में जताना होगा कि हमने तुम्हें बचा लिया। वही गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी ट्वीट किया था और मुंब्रा के शाहूजी नगर इलाके के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने लिखा है कि ये जो रेलवे के तरफ से नोटिस दिया गया है ये अन्याय है, इनका पुनर्वास होना चाहिए और वो गरीबों के साथ में है। अपने आप में ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र और कल्याण लोकसभा क्षेत्र में कलवा और मुंब्रा दोनों हैं, मगर कलवा और डोंबिवली में जिन्हें नोटिस मिला है उनके पुनर्वास के लिए खासदार श्रीकांत शिंदे ने लेटर में जिक्र किया, मगर वहीं मुंब्रा का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया? क्या ये मुंब्रा के साथ अन्याय नहीं है? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।